हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज साइलेंट लेटर। एंड द टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड टू प्रोनंसिएशन। इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू एवरीबडी हु वांट टू लर्न इंग्लिश। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको सभी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और थोड़ा स्मार्टली कैसे बोलेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोनंसिएशन सबसे ज़्यादा अपना रोल देता है इंग्लिश लर्निंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। किसका? प्रोनंसिएशन का। और उसमें इंग्लिश जब वर्ड हम लोग सीखते हैं तो एक होता है साइलेंट लेटर। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें साइलेंट लेटर का यूज होता है, और उसको हम लोग साइलेंट का मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अगर हम लोग उस वर्ड में साइलेंट लेटर को अगर प्रोनाउंस करते हैं तो सेंटेंस हम लोगों का सही तो है ठीक, लेकिन इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहता और एक तरीके से गलत माना जाता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज सीखेंगे साइलेंट लेटर, कौन कौन से लेटर ऐसे लेटर हैं जो साइलेंट होते हैं किसी भी वर्ड में। इसके पहले मैंने एक वीडियो पढ़ा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे वर्ड को बताया है और फर्स्ट क्लास है, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी अच्छे से दिया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और टाइम को वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जैसे यच साइलेंट, तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें यच लेटर साइलेंट है, मैं आज उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद ये जो के लेटर है ये किस वर्ड में साइलेंट रहता है, इसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद जी, जी फॉर गन ये लेटर, उसके बाद यल है और टी है। ये पांच वर्ड को मैं आज अपने क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट आपका एंकर है। एंकर में क्या? यच वर्ड साइलेंट है। दिस लेटर इज साइलेंट इनटू दिस वर्ड। एंड सेकेंड इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है? पहले तो मैं बता दूँ एंकर कौन होता है। एंकर अ पर्सन हु एंकर एनी फंक्शन, यार किसी भी फंक्शन को जो एंकर करता है। और होस्ट, अ पर्सन हु होस्ट द शो या एनीथिंग एनी फंक्शन, ऐसा व्यक्ति जो शो को होस्ट करता है उसको हम लोग एंकर बोलते हैं। इसमें क्या है? यच साइलेंट है। दूसरा आर्किटेक्ट है, अ पर्सन हु मेड द मैप ऑफ बिल्डिंग आर एनी थिंग लाइक ब्रिज और स्ट्रक्चर, होम स्ट्रक्चर, टेम्पल स्ट्रक्चर, इस तरीके के जो घर का मैप बनाता है। सिंपल हिंदी भाषा में समझाऊँ तो जो घर और का मैप बनाता है और एक स्ट्रक्चर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं। और इसमें यच लेटर क्या है? साइलेंट है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि मैं लेटर को बता रहा हूँ कौन सा लेटर किस वर्ड में साइलेंट है, तो आप लोग उसको ज़रूर लर्न करिएगा। और ये भी चीज़ें उसके साथ साथ उसकी मीनिंग भी बता दे रहा हूँ जितना पॉसिबल हो रहा है। तो ये यंकर हो गया और आर्किटेक्ट हुआ। उसके बाद एचीव्स, एचीव्स ऐसा वर्ड है, एचीव मतलब रिसीव्ड, एक्नॉलेज्ड, और इसमें यच लेटर क्या है? साइलेंट है दोस्तों। ये थर्ड वर्ड हुआ। और ये सेक्शन पूरा जितना है लगभग 10 वर्ड हैं, तो इसको सीखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड वर्ड सीख लिए, पहला इसको हम एंचर नहीं बोलेंगे, एंकर बोलेंगे। इसको आर्किटेक्ट नहीं, इट्स आर्किटेक्ट नॉट आर्किटेक्ट। और इट्स अचीव्स, इट्स नॉट अचीव्स। एंड से फोर्थ वर्ड है आपका कैरेक्टर, नॉट चैरेक्टर। चैरेक्टर नहीं बोलना है, इट्स कैरेक्टर। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो सही प्रोनाउंस करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर साइलेंट है। मानता हूँ कि आप लोग सही प्रोनाउंस करते होंगे मोस्ट ऑफ पीपल, लेकिन
इसमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर साइलेंट है, तो कैरेक्टर में यच आपका साइलेंट है। एंड फिफ्थ वर्ड है कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर कौन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अ पर्सन हु टीचेस डांस, ऐसा व्यक्ति जो डांस सिखाता है उसको हम लोग कोरियोग्राफर बोलते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे मूवी अवार्ड फंक्शन में देखे होंगे अवार्ड लेते हुए कोरियोग्राफर को, तो ये वही होते हैं। जैसे आपने रेमो डिसूजा का नाम सुना होगा ना, वो भी एक कोरियोग्राफर हैं और तमाम ऐसे हैं जो कि कोरियोग्राफर हैं, काफ़ी फेमस हैं। और उसके बाद देखते हैं फराह अली खान, फराह खान को आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, वो भी एक कोरियोग्राफर है। क्या है, डांस सिखाती हैं तो कोरियोग्राफर ही हुई। उसके बाद सिक्स वर्ड है क्रिसमस, क्रिसमस डे आप लोग ज़रूर सेलिब्रेट करते हो करते होंगे, ये काफ़ी क्रिश्चियन सोसाइटी का और क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनके साथ साथ लगभग सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। इस दिन पब्लिक हॉलीडे रहता है, सब लोग क्रिश्चियन जो होता है उन लोगों की सोसाइटी उस वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गया क्रिसमस। उसके बाद मेन चीज़ मेरा क्या है कि ये बताने का एम है कि इसमें क्या साइलेंट है, यच लेटर साइलेंट है। उसके बाद वेदर है, आप लोगों को पता है इफ़ या वेदर ये क्या है, कंजक्शन है। एक वेदर और है वो मौसम के लिए होता है, ये वेदर आपका कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। और एक वेदर जो और होता है उसका उसकी मीनिंग क्या होती है, मौसम से होती है, उसकी स्पेलिंग डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर है। ठीक, ये वेदर अलग है, इसमें आर नहीं आता तो इसको मैंने नहीं लिखा है। ठीक, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग हावर हावर बोलते हैं, हावर हावर नहीं होता, इट्स आर ओ यू आर आर, यच को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नोटिस करिएगा, रिमाइंड करिएगा एंड देन नोट डाउन करिएगा। उसके बाद क्योस, सॉरी कोरस है, कोरस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग अ सॉन्ग, जो गाना गाती हैं एक ग्रुप में उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कोरस। जो मेल हुए फीमेल जो कोरस में ग्रुप में किसी मेल सिंगर मेल सिंगर के पीछे जो वो लोग गाने में साथ देती हैं उनको क्या बोला जाता है, कोरस सिंगर। ये हो गया यच लेटर साइलेंट देख लिया। अब के लेटर देखेंगे, नैक, नैक में क्या, ये के साइलेंट है, फर्स्ट लेटर साइलेंट है। नैव, ये भी है, नैव मीन्स क्या होता है, नौसिखिया होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी के लेटर साइलेंट है। एंड थर्ड लेटर है आपका नी, नी मीन्स आप लोग सभी जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, तो नी मतलब घुटना होता है हिंदी में, और नी में क्या है, के लेटर साइलेंट है। नील, ये तो सभी जानते होंगे और जानना भी चाहिए, काफ़ी फेमस वर्ड है और मोस्टली कपल्स जो होते हैं वो उनके बीच ये होता है, क्योंकि कभी आप लोगों ने सुना होगा कि नील डाउन, नील डाउन एक ऐसा वर्ड है जो जनरल वर्ड है, सब जानते हैं, घुटने के बल हो के किसी को कुछ बोलना, समथिंग लाइक दैट, ये उसमें यूज होता है। नील, नील मीन्स घुटने के बल होना। ठीक, और इसमें क्या है, के लेटर साइलेंट है। उसके बाद न्यू है, ये नो, के एन ओ डब्ल्यू नो का सेकेंड फॉर्म है। न्यू, न्यू मीन्स पता होना किसी चीज़ को, समथिंग यू हैव ऑलरेडी नोन, दैट इज कॉल्ड न्यू। एंड
नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। नाइफ जानते होंगे, यूज़ भी करते होंगे फॉर कटिंग वेजिटेबल, जो जिससे हम लोग सब्जियां काटते हैं, दैट इज नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। इसमें क्या है, के लेटर साइलेंट है, ठीक। दूसरा है नाइट। नाइट दो वर्ड है, एक नाइट मीन्स रात होता है और एक नाइट मीन्स बहादुर होता है, ब्रेव होता है, वेलेंट होता है, करेजियस, डेयरिंग, इस टाइप के वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। तो नाइट मीन्स क्या हुआ, बहादुर, योद्धा। इसमें क्या है, के लेटर साइलेंट है नाइट। उसके बाद नॉलेज, इसको तो सभी जानते होंगे, इसकी स्पेलिंग हम लोग बचपन में बहुत पूछा करते थे एक दूसरे से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके, इसका भी के लेटर साइलेंट है। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं नॉलेज, कनॉलेज नहीं पढ़ते हैं, ठीक। कनॉलेज पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है, टू मैरी, शादी करना, नॉट। उसके बाद आता है जी लेटर। जी लेटर कौन कौन से वर्ड में साइलेंट होता है, तो आप लोगों को पता होगा, एक दो पता होगा, उससे ज़्यादा भी पता हो सकता है, लेकिन क्या आज सीख लेंगे, बहुत सारे वर्ड आपको पता हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग डिज़ाइन वर्ड जानते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा लेटर साइलेंट है, तो इसमें क्या आपका जी फॉर गन वाला लेटर, ये लेटर दिस लेटर इज साइलेंट। इसको हम लोग डिजाइन गन नहीं पढ़ते हैं, डिजाइन बोलते हैं। इसमें क्या है, जी लेटर साइलेंट है। ये कॉमन सेंस के लिए मैंने लिख दिया है कि ये जो लेटर है, ये जितने इस कॉलम में, इस रो में जितने होंगे, तो सब क्या है, साइलेंट है। इसमें जितने भी ये वर्ड आएगा वो साइलेंट रहेगा। डिजाइन हो गया, साइलेंट है। उसके बाद फॉरेन हो गया। फॉरेन अगर वर्ड से फैमिलियर नहीं हो तो मैं बताता हूँ, अ पर्सन बिलोंग फ्रॉम अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड फॉरेन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्रियों से बिलोंग करता है, जो एब्रॉड से बिलोंग करता है किसी अदर कंट्री से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनर। यहाँ ईयर लगा देंगे तो अ पर्सन हु बिलोंग फ्रॉम अदर कंट्री, अ फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री, अदर कंट्री, ठीक। इसका सिनोनिम्स अदर कंट्री होगा। रेन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए। रेन काफ़ी फेमस वर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू टेरनाइज, शासन करना। जो रेन मीन्स होता है शासन करना, REIGN, इसमें जी लेटर साइलेंट है। लाइट, इसको जनरल वर्ड है, सभी जानते हैं, इसमें भी क्या, जी लेटर साइलेंट है। एंड देन असाइन करना, ये भी इसमें भी जी लेटर साइलेंट है। उसके बाद असाइनमेंट, आप लोग अपने कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ और स्कूल लाइफ में भी असाइनमेंट लिखा होगा, तो इसमें भी क्या होता है, जी लेटर साइलेंट होता है। एंड देन रिजाइन, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोफेशनिस्ट होंगे, किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे और वो काम अगर उनको पसंद नहीं आता है तो अपने ऑफिस में कौन सा लेटर देते हैं, इट्स रिजाइनेशन लेटर। ये रिजाइन वर्ड है, इसमें क्या है, जी लेटर साइलेंट है दोस्तों। एंड देन नार्ल है, नार्ल में भी ये क्या है, इसको नार्ल पढ़ेंगे, नॉट गनार्ल पढ़ेंगे, गनार्ल नहीं पढ़ेंगे, इट्स नार्ल, इसमें जी लेटर साइलेंट है। ये जी अल्फाबेट को मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद यल है, यल फॉर लैम, लाइन भी कर सकते हैं, तो अलमंड नहीं पढ़ते, इट्स अमंड, अमंड, इसमें भी यल लेटर क्या है, साइलेंट है। बाम हमेशा यूज करते हैं, कभी भी पता होगा कि ये लाइक आयोडक्स की तरह होता है, मेडिसिन है और लिक्विड फॉर्म में होता है कहीं ना कहीं, आइसक्रीम टाइप में,
जैसे कि आप लोग आइसक्रीम देखते हो तो उसी तरीके का ये होता है। और ये किस में काम आता है, तो आपको आपके बॉडी में कहीं भी खिंचाव आ गया है, दर्द है, पेन है, तो उस इसको लगा के मालिश किया जाता है। और ये जनरल चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, क्या बताना। और इसमें ये जान लीजिए कि इसमें यल लेटर साइलेंट है, बी ए यल एम होता है, और बी इसको हम लोग बाम बोलते हैं, नॉट ब्लाम। काम काम आप लोग जानते हैं, ट्रैंक्विल कह सकते हैं, पीस कह सकते हैं, ठीक, शांत होना। कोई भी अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो हम लोग उसके लिए क्या बोलते हैं, जिसे कभी आप लोग इंटर करते होंगे, और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं किसी क्लास में, काफ़ी शोर करते हैं, तो आप लोग उनको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलते हैं कि बच्चों कीप क्वाइट बोलते हैं, या कीप कॉम बोलते हैं, शांत रहो। काम वैसे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग कीप क्वाइट का ही यूज करते हैं। और उसके सिनोनिम से हम लोग कॉम भी बोल सकते हैं, सी ए एल एम, इसमें यल लेटर क्या है, साइलेंट है। चाक, काफ़ी हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इसको कहीं ना कहीं देखते होंगे कि हमारे जो टीचर हैं वो चाक से समथिंग लिख रहे हैं रिलेटेड टू आर सब्जेक्ट, और वो जो चाक वर्ड है उसमें यल आता है, यल लेटर आता है। और कब आता है, तो बिफोर के यल लेटर आता है जो साइलेंट रहता है। हम लोग लिखते समय इसका ध्यान रखेंगे, और बोलते समय भी इसके प्रोनंसिएशन पे भी ध्यान रखेंगे, इसको मेंशन नहीं करेंगे प्रोनंसिएशन में। अगर राइटिंग की बात आएगी तो उसमें मेंशन करना है, नोटिसिस्ट। चाक हो गया, और कुड आप लोग जानते ही होंगे, कुड वर्ड से फैमिलियर होंगे, सी एच ओ यू एल डी, कुड कुड, ये क्या है, ये मॉडल है, इसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं, और जो कि पास्ट टेंस में मोस्टली यूज होता है। इसमें भी यल लेटर साइलेंट है, हाफ जानते ही हैं, एच ए एल एफ, हाफ मीन आधा होता है, इसमें भी यल लेटर साइलेंट है। ये सब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद फॉक है, एफ ओ एल के, इसमें भी यल लेटर साइलेंट है। समान है, समन आता होगा, इट्स काइंड ऑफ नोटिस, तो उसमें भी यल होता है। और सूट जान ही रहे हैं, इसमें भी यल लेटर दोनों में साइलेंट रहता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा नेक्स्ट लेटर देखते हैं, टी लेटर किस में साइलेंट होता है, तो आपका ये हो गया कैसिल, कैसिल मीन्स आप लोगों को पता होगा, बताइए कमेंट करके। चलिए मैं बताऊँ, ये इसमें भी क्या, टी लेटर साइलेंट है। कैसिल मीन्स होता है, पहले तो बता दूँ, किला, जैसे मैकबेथ का किला रहा, मैकबेथ प्ले में, तो उसको हम लोग कैस्टिल नहीं पढ़ेंगे, इट्स कैसिल। फिर बसल है, इसमें भी क्या है, टी लेटर साइलेंट है। लिसन, इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है नोटिस करना, लिस्टन नहीं है, इट्स लिसन, इसमें टी लेटर साइलेंट है। एंड मोन्ट्रेग है, इसमें भी, मोटेग है, इसमें भी टी लेटर साइलेंट है। ऑफेन, ऑफेन में भी टी लेटर साइलेंट है दोस्तों। उसके बाद नेसिल है, इसमें भी टी लेटर साइलेंट है। एंड सॉफेन है, सॉफेन में भी, सॉफेन मीन्स क्या होता है कि बहुत ही सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही एक तरीके से धीमी और एकदम सॉफ्ट, जो सही आवाज़ होती है उसको हम लोग सॉफ्ट वॉइस बोलते हैं, ये क्या है, सॉफेन। रेसलर, रेसलर क्या कौन होता है, जिसको हम लोग पहलवान कहते हैं हिंदी में, दैट ही इज कॉल्ड रेसलर। स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, तो डब्लू से, और इसमें दो लेटर साइलेंट है, डब्लू भी साइलेंट है और टी भी साइलेंट है, इट्स रेसलर मीन्स पहलवान। फासन जानते ही हैं, हल्दी
हड़बड़ाहट जो होती है उसको हम लोग फसन बोलते हैं। ये सारे लेटर हो गए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, मैंने डिस्कस किया, आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, इसका प्रोनंसिएशन, यूज, डेफिनेशन, मीनिंग सब सीखिएगा और ये आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा। यहीं के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और चार चीज़ ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और इसकी सीरीज, इसके पहले वाली क्लास ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आप लोगों का जुड़े रहने के लिए मेरे क्लास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ऐसे ही बने रहिए, थैंक यू।